हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम माई सेल रीनाक्षिस होनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल सो बच्चों मैं आज आपको आपकी फोनिक बुक पढ़ाऊंगी सो दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक सीनियर के जी माई सेकेंड बुक ऑफ फोनिक्स ओके बच्चों इन लास्ट वीडियो आई वॉज टोट यू अबाउट साइड वर्ड्स टू एंड पी एच साउंड ठीक है एंड टूडे वी विल रीड चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर थर्टी एट और थर्टी नाइन एंड फोर्टी ठीक है डब्ल्यू एच साउंड ठीक है हम लास्ट वी मैंने लास्ट वीडियो में आपको साइट वर्ड्स टू में डब्ल्यू एच वर्ड्स को ही रिपीट किया था ठीक है सो so, उसी से रिलेटेड है ये हमारा डब्ल्यू एच साउंड चैप्टर और ये चैप्टर है हमारा थर्टी एट पेज नंबर है हमारा फोर्टी सेवन तो देखिए यहाँ पर यू कैन सी हियर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सारे वर्ड्स हैं वो क्या है डब्ल्यू एच से ही स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है वहाँ पर तो जो हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स में वो हमारे क्वेश्चन मार्क वर्ड्स थे ठीक है यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर बताया है तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है डब्लू एच ओ हु नेक्स्ट है डब्ल्यू एच ई ए, ए टी वीट। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वाई वाई नेक्स्ट डब्ल्यू एच a t what next w h e r e where next w h i c h which next w h o s e whose w h a l e well वेल मछली होती है ना फिर W एच डबल ई एल व्हील W एच ई एन वैन W एच आई एस टी एल ई विसल फिर है हमारा W एच आई टी ई वाइट W एच आई एस पी E R विस्पर ठीक है इस तरीके से हम क्या करेंगे इन वर्ड्स को स्पीक करेंगे ठीक है बच्चों तो हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से डब्ल्यू एच साउंड के वर्ड्स को हम प्रनाउंस करते हैं इसी तरीके से क्या करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डब्ल्यू एच साउंड हमने लास्ट चैप्टर्स में भी यही करते आ रहे हैं कि जो हम साउंड पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर राइट डाउन है और उसी को हमको क्या करना है यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है उसको राइट करना है जैसे यहाँ पर वैन लिखा हुआ है तो इसी वैन को हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कॉपी करेंगे ठीक है सेम एज इट इज़ तो डब्ल्यू एच ई एन वैन फिर डब्ल्यू एच ए टी वॉट फिर डब्ल्यू एच ए एल ई वेल ठीक है इस तरीके से यहाँ क्या हुआ यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए थे उनको मैंने यहाँ पर सेम एड एज इट इज़ कॉपी करके नीचे लिख दिया है आपको भी क्या करना है जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं आपको वो यहाँ पर उनको कॉपी करके लिखना है इनके नीचे जो स्पेस दिया हुआ है ठीक है तो इन तो जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो सेम सेमजिट लिखना है बच्चों आपको इसी तरीके से हम जो साउंड पढ़ते हैं उसका एक फन टाइप रीड होता है पेज होता है चैप्टर होता है तो ये जो पेज है हमारा वो डब्ल्यू एच वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है सो रीड द सेंटेंसेस मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ आप लिसन केयरफुली ठीक है वेयर इज़ फिलिप्स इज फ्लिप ठीक है वैन इज हिज birthday? When वैन इज हिज बर्थडे अब देखो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहा है डब्ल्यू एच जो वर्ड्स हैं जो यहाँ पर हमने लिखा है वो क्या है देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क पेपर वर्ड्स होते हैं ठीक है थीके? उसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ वेयर हमने यूज़ किया है तो पीछे क्या लिख दिया है? हम क्या लगाया है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमने वैन का यूज़ किया है तो पीछे भी क्या आ गया क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट है हमारा वेयर इज़ द वाइट फोन ठीक है वेयर मिस कहाँ सफ़ेद फ़ोन कहाँ है इसका जो हिंदी होगा वेयर इज़ फ्लिप फ्लिप कहाँ है वैन इज़ हिज़ बर्थडे उसका बर्थडे कब है वेयर इज़ द वाइट फ़ोन वाइट फ़ोन कहाँ है द वाइट फोन इज़ नियर माई फोटो और क्या है ये क्या है फ्लिप है ठीक है उसका बर्थडे उसके बर्थडे के बारे में पूछा जा रहा है फिर है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो कहाँ है वेयर इज़ द वाइट फोन वाइट फ़ोन कहाँ है मतलब सफ़ेद कलर का ये फ़ोन है वो कहाँ है तो आंसर है इसका द वाइट फोन इज नियर माय फोटो ठीक है यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का भी यूज़ आ रहा हो रहा है और पी एच साउंड का भी यूज़ हो रहा है तो जो ये वाइट फोन है वो किसके पास है इस फ्लिप के फोटो के पास है ठीक है नेक्स्ट है व्हाट विल फिल सी इन द ज़ू ठीक है नहीं व्हाट विल फिल सी इन द ज़ू एलिफेंट्स डॉल्फिन्स एंड वेस टू ठीक है हम ज़ू में क्या देख सकते हैं ठीक है तो हम ज़ू में क्या क्या देख सकते हैं एलिफेंट्स डॉल्फिन्स एंड वेल्स मछली जो होती है ना वो हम देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं ठीक है जो इस पेज में जो यूज़ हुआ है वह है डब्ल्यू एच वर्ड एंड पी एच वर्ड्स ठीक है क्वेश्चन किया है हमने डब्ल्यू एच से तो हमने पीछे क्या लगा दिया है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसी तरीके से हम क्या करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड के साथ हमेशा क्या आएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क आएगा और मैंने जिस तरीके से यहाँ पर इसको पढ़ा है आप भी इसको घर पर एक बार रीड करिए टिल देन टेक केयर थैंक यू